खबर शिवपुरी के दिनारा से आ रही है, जहां पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक दिनारा थाना क्षेत्र के कोररौल में रहने वाले महेश प्रजापति की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की और लाश को बोरे में भरकर जंगल में छुपाया। दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 मार्च 2022 को गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने मोबाइल नंबरों की डिटेल निकलवा कर जाँच की तो पहले तो पुलिस को गुमराह करती रही। जब पुलिस ने कड़क लिहाजे में पूछताछ की तो गीता ने सारा सच उगल दिया। गीता ने पुलिस को बताया कि मैं और अंकित गौर आपस में 1 साल से प्यार करते हैं, जिसका पता मेरे पति को चल गया था। 17 मार्च को हम दोनों ने महेश की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को बोरे में भरकर जंगल के नाले के गड्ढे में फेंक दिया। दिनारा थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनारा से संवाददाता रानू राजपूत की रिपोर्ट। दिनांक 28 तारीख को तीसरे महीने में देवीलाल प्रजापति अपनी बहू गीता बाई को लेकर थाने पर आए थे कि उनका लड़का महेश प्रजापति 27 तारीख से लापता है, जिस पर हमने देवीलाल की रिपोर्ट पर गुमशुदगी कायम कर ली थी और गुमशुदगी पर से हमने जांच की। जांच में शुरू से ही मुझे गीता बाई पर संदेह था कि इसके द्वारा कोई कृत्य किया गया है। फिर मैंने उसमें लगातार मुखबिरी लगाए और पोर्टल निकल गई। पोर्टल में भी इन लोगों का एक जो अंकित लड़का है अंकित गौर, उस पर इसकी लगातार बात होती रहती थी। मुझे जब मैंने पता भी किया तो मालूम चला कि इसके अवैध संबंध है, तो दोनों से लगातार पूछताछ की। ये लोग बेवकूफ़ बनाते रहे, लेकिन फिर हमने अपनी हिम्मत रखने से पूछताछ की तो फिर इसमें गीता बाई टूट गई। फिर उसने बताया कि हमने गला दबा के महेश प्रजापति की हत्या कर दी और मैंने और अंकित ने ले जाके उसकी डेड बॉडी दामीपुरा के जंगल में फेंक दी, जिस पर हमने तत्काल दोनों को ले जाकर उनकी निशानदेही पर बॉडी को बरामद किया। बॉडी में कंकाल मिला है जिसका हम घेरे कराएंगे और तत्काल 302 कायम कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज हम उनको PR पर पेश करेंगे। थैंक यू सर।